हेलो फ्रेंड्स मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए आज तैंतीस वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका सवाल सुनने से पहले ये अभी ऑफिसर हैं बैंक में ऑफिसर हैं और इनको जानना है अपने मैरिज लाइफ को लेके और हथेली पर इनके बहुत से ऐसी लाइनें बन रही हैं इनको लग रहा है क्या वो अच्छी हैं क्या खराब हैं क्या इसके फल आएंगे नहीं आएंगे इस विषय पे इनको जानकारी चाहिए और आगे के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी चाहिए प्रमोशन के विषय में भी तो निश्चिंत रहें आपके सारे विषयों पर आपको उत्तर मिलेगा तो सर्वप्रथम मैं इस हथेली पर एक नई जानकारी दूंगा इस वीडियो को पूरा देखना बहुत बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं दूंगा इस हथेली पर बनाए रिंग ऑफ सैटर्न या फिर उसको कह लो सेमी सर्कल सेटरन पर ये देखो कहाँ बनता है ये एक रेरस साइन है ये देखो ऐसे तो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है और जो मैं इसके विषय में जानता हूँ या फिर मैंने देखा है तो इसका उतना अच्छा फल नहीं होता जीवन पर सिंपल सा बात है इसके उतने अच्छे फल देखने को नहीं मिले हैं अब इसके मेरे हिसाब से कुछ अच्छे फल भी होते हैं क्या अच्छे फल होते हैं मैं बताता हूँ क्योंकि देखो पामिस्ट्री एक चीज़ से नहीं होती ऐसे इसका फल जान लीजिए इसका फल क्या होता है विवाह में विलंब और व्यक्ति अपने अपने जीवन को खुद डिस्ट्रॉय करेगा और साथ साथ जीवन में इनके अनेकों अनेक परेशानी आएंगी पिता से संबंध खराब होने के आशंका तो ये सब इनके फल होते हैं लेकिन पामिस्ट्री एक चीज़ से नहीं होती कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी नेगेटिविटी भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले चली जाती है उसको समझना पड़ता है रिलेट करना पड़ता है कैसे मान लो कि कोई आपका क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर आपके विषय में गलत बोल रहा है आपने ये सोच लिया कि मेरे लाइफ में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मेरे से कुछ होगा ही नहीं तो क्या आपका ट्रैक गलत हो जाएगा क्योंकि आपने ये सोच लिया आपके द्वारा कुछ हो ही नहीं पाएगा अब दूसरा बात क्या होगा कि मान लो कोई आपका क्रिटिसाइज कर रहा है और आपने सोच लिया कि मुझे उसको दिखाना है कुछ करके तो दोनों बातें मैं कह रहा हूं तो क्या वहाँ पर वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई और क्या यहाँ पर ये यह कन्वर्ट हुई कि आपने सोच लिया मेरे से कुछ होगा ही नहीं तो बातें दोनों होती है समझना पड़ता है कि कौन से अतीली पर क्या चीज़ें एप्लीकेबल हो रही हैं और क्या उसके फल आएंगे ऐसे इस साइंस का अच्छा इस साइन का अच्छा फल नहीं आता है लेकिन इस अतीली पर इसका अच्छा फल आएगा क्यों आएगा सुनो समझो क्योंकि देखो ये तो हो गया सैटर्न पर यहाँ पर ये लाइन है तो ऐसे इंसान को देखिए सैटर्न क्या करता है आपको एकांतवादी बनाता है बहुत से सन्यासी के आप हथेली पर देखोगे ना तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी रिंग ऑफ सैटर्न क्योंकि मैंने देखा है मैं एक सन्यासी से मिला देखा जिसका नाम जो मुझसे व्हाट्सएप पर मेरी बात भी हुई उनसे नाम तो मैं नहीं बता सकता तो उनके अतली पर ये चीज़ें थी वो आज बीस वर्ष संन्यास कर रहे हैं अर्जेंटीना में प्रजेंट के टाइम में उनके अतली पर भी कुछ ऐसे इंडिकेशन मुझे दिखे थे वो कुछ और फॉर्म में थे वो कुछ और फॉर्म में थे तो मैं बता रहा हूँ और भी मैं कुछ दो तीन चीज़ों को देखाऊँ दो तीन स्थितियों में तो वो मुझे दिखी है तो इसका इस हथेली पर क्यों अच्छा फल आएगा देखो क्या है ना ये आपको एकांतवादी बना देगा और कोई भी जानते हैं जॉब एक बहुत बड़ी तपस्या है तो वो लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा तो ये लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करवा देगा अब बात आती है कि ये हथेली इतनी आगे कैसे बढ़ गई आप बोलोगे गुरुजी ये तो नेगेटिव इंपैक्ट था फिर इतने अच्छे योग इतनी अच्छी जॉब या फिर आगे और आप अच्छा बोल रहे हो कैसे तो मैं बताता हूं कैसे क्योंकि देखो सूर्य लाइन बहुत अच्छे अमाउंट में डेवलप्ड है और सूर्य लाइन पे एक स्टार नुमा फॉर फॉर्मेशन का इंडिकेशन हो रहा है तो इनको प्रेरित कर दी ये जो रिंग ऑफ सेटरन है ये कि इनको मेहनती तो बना दी और साथ साथ इनको एकांतवादी भी बना दी कि ये अपना सब कुछ छोड़ के अपने पाथ पर कंसंट्रेट करेंगे लेकिन इनको शाइन करना था जीवन पे, इसीलिए इसीलिए इस ये इंडिकेशन इनको फायदा कर गया ये नेगेटिविटी भी इनके लिए पॉजिटिविटी का काम कर गई आपने बहुत से केसेस में सुना होगा विपरीत राजयोग कैसे बनता है अगर कोई त्रिक स्थान का स्वामी छठे आठ में आठवें में का उसी घर में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन करता है राइट है तो वही बात आ गई कि इनके इन पर विपरीत राज्योग बनेगी विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग अपने एम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे लेकिन फिर भी कोई चीज़ गलत है तो उसका गलत फल तो आना है कुछ ना कुछ तो इसका नेगेटिविटी आएगा वो भी मैं बताऊंगा तो लेकिन आपके लिए ये फ़ायदा स्रोत ही रहा ये इतना कन्वर्सेशन का है जो मेरा एक मोल मोटिव था मूल मोटिव था कि चीज़ों को सिर्फ पढ़ के नहीं देखो उसको सही तरीके से एनालिसिस करके देखो समझो कि क्या चीज़ें कह रही हैं उसके अनुसार कार्य करें तो अभी इनका एक क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं तो क्वेश्चन क्या था कि आगे का जीवन देखो मैंने इनको जो जो एज बताया ना वो एज में इनको प्रॉब्लम था लेकिन ये भी मैंने बताया इन फोन पे कि प्रॉब्लम तो होगा लेकिन वो प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो गया होगा पता भी नहीं चला होगा वो चीज़ अभी थी कंप्लीट अमाउंट पर राहुल लाइन कट साल में कंप्लीट अमाउंट में राहुल लाइन का कट था थर्टी वन ईयर्स में तो ये समय इनको प्रॉब्लम्स हुई होंगी अब बात आती है प्रॉब्लम क्या हुई होंगी प्रॉब्लम ये हुई होंगी परेशानी आ गई होंगी रैंडमली जीवन पर और चीज़ें एकदम समझ में नहीं आने लगी होंगी लेकिन प्रोग्रेस लाइन इनके में वर्ष एक्टिवेट था में वर्ष से बाईस में तेईस में वर्ष इनकी प्रोग्रेस लाइन इंडिकेट थी कंटिन्यू बेसिस पर सफलता इंडिकेट कर रही थी लेकिन राहुल लाइन की वजह से जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं मिला होगा अभी ऑफिसर है इन्होंने बहुत से एग्जाम दिया दो दो पॉइंट पॉइंट नंबर इनका छूटा है क्यों क्योंकि प्रोग्रेस लाइन तो है लेकिन साथ में पैर खींचने वाले का भी कोई कमी नहीं है लेकिन जितनी जिसके लेवल रहेगी ना जितनी जिसकी स्ट्रेंथ रहेगी उतना ही वो अमाउंट में कर पाएगा मार लो आपकी क्षमता दस किलो उठाने की है और अगर आपको बारह किलो दे दिया जाए ना तो आप उठा लोगे लेकिन उतना दूर जा नहीं पाओगे बस वही बात है कि इनकी क्षमता बहुत दूर जाने की थी लेकिन पैर खींचने वाले की भी कमी नहीं थी वो चल राहुल लाइन तो उनको वो प्रॉब्लम करती तो लेकिन आप निश्चिंत रहो आगे का लाइफ आपका अच्छा है एक ईज और मैं बताता हूं थर्टी एट ईयर इसमें भी कोई परेशानी आ सकती है लेकिन वहीं पर से एक प्रोग्रेस लाइन भी है तो चीजें कब आएंगी चली जाएंगी पता नहीं चलेगा फिर भी रिक्स क्यों लेना आप उपाय करना मैं दे दूंगा निश्चिंत रहे अब फिर दूसरा सवाल था विवाह को लेके तो बृहस्पति के यहाँ से दबाव और ये थोड़ा एकांतवादी इंसान को बनाती है इंटरेस्ट में थोड़ा कमी करवाती है अपने पात के प्रति इंसान ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं इसके दौरान भी विवाह विलंब से होता है दूसरी विवाह रेखा भी इनकी बहुत लेट आ रही थी तकरीबन पैंतीस में चौंतीस में के अराउंड तो ये तीनों चीज़ें आपकी विवाह तो कन्फर्म वाली बात थी अगर आप पहले भी दिखाती तो मैं यही बोलता कि चौंतीस पैंतीस के राउंड ही आपकी विवाह होगी ये तो वाली बात थी तो निश्चिंत रहे आगे मैं लगन तेज करने का कुछ उपाय आपको जरूर दे दूंगा तो अब इनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि हथेली पे बहुत सी रेखाएं बन गई है तो एक एक करके बारीकी से समझा दूंगा तो अब चलते हैं इनके आगे की तरफ तो सर्वप्रथम देखिए तो आ रहा है इनका रेक्टेंगल पाम तो ये क्या है इनको बोलने ये बोल बोल के काम करेंगे लेकिन रिंग ऑफ सेटरन है तो यहाँ से ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं तो इसलिए मैं शेप पे नहीं जाता हूँ बहुत कम केसेस में जाता हूँ जहाँ से स्पष्टता नज़र आती है क्योंकि ये ज़्यादा ये लोग को बोलना पसंद नहीं अपने काम पर ध्यान देती हैं फिर देखो ये समझदारी के लूप भी काफ़ी प्रबल बन रही है थोड़ी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बट बुद्ध की इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है ना कि वो डिसीजन मेकिंग की तो बात ही छोड़ दो हाँ लेकिन प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत करेगी तो ज़रूर फिर देखो अब मैं दिखाऊं तो इनके थंब को सर्वप्रथम देखिए तो इनके थंब तो थंब तो इनका बहुत स्ट्रांग है बेसिकली महिलाओं का इतना स्ट्रांग थंब नहीं होता है अगर इनका है तो इनके व्यक्तित्व में वो बोल्डनेस रहेगी जो बोलेंगे अपने बात पे एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगी ये कभी अपने बात से बाहर नहीं जाएंगी चाहे दुनिया इधर से उधर चला जाए दूसरी एक लाइन है सेल्फ मेड इंसान है इनको जो है ना और ज़रूरत भी नहीं है एकदम एकदम जरूरत नहीं है क्योंकि बतीली है वैसी सेल्फ मेड है अपने जीवन में जो भी इन्होंने अचीव की होगी अपने दम पे अपने बलबूते पर ये डेडिकेशन होगा ये तो देख लेना ये रिंग ऑफ सेटरन जो है ना सेमी सर्कल सेटरन पर यही नहीं इनको डेडिकेशन दे दी बहुत ज्यादा क्यों बोला मैंने इस विषय पर इसलिए बोला फिर देखो डिजायर्स की डिजायर्स भी अल्टीमेट है कोई कमी नहीं है डिजायर्स की और थम्भ का जो स्ट्रेंथ है ना ये तो बहुत स्ट्रांग है इंसान को थोड़ा ज़्यादा ही बोल्ड बना देता है इंसान जल्दी किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकता इवन कभी नहीं और यहाँ पर समझदारी के रूप में हल्की कभी कभार डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बट आगे के ग्रहों स्पेस लिया तो सक्सेसफुल तो बनना ही था और ये अदली को गौर से देखना जो बैंकिंग वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे मैं योग का भी बताऊंगा आपको फिर देखो खड़ी लाइन है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मैं बताऊं तो एकदम सत्यवादी इंसान और कभी किसी के प्रति गलत भावना नहीं कभी नहीं कभी किसी के प्रति छः पाँच की कोई भी भावना नहीं रहती इनके मनों में फिर देखो यहाँ से दबाव है यहाँ से तो बृहस्पति थोड़ा सा नीचे है बृहस्पति फिंगर सूर्य फिंगर थोड़ा सा ऊपर है तो क्या ना ही रहेंगे हंड्रेड टू परसेंट कैल्कुलेटिव तरीके से जीवन को जिएंगी और फिंगर्स में काफ़ी प्रबल स्ट्रेंथ भी इवन बहुत ज़्यादा तो ये स्ट्रेंथ क्या इंडिकेट कर रही है आपके घरों के अच्छे फल आपको मिले होंगे तय वाली बात है उसके बाद का मैं दिखाऊँ आपको तो इनके जुपिटर इनके जुपिटर थोड़ा सा प्रॉब्लम है थोड़ा सा दबाव है यहाँ से विवाह विलंब से बाकी नेम फेम मिलेगा कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर पाएंगे कोई बात नहीं ऑथेरिटिक पोस्ट की प्राप्ति छत्तीस में तक तो मिलनी थी तय वाली बात थी फिर देखो कुछ लाइंस है इनके ये वाले तो मैं सारे कन्फ्यूजन को भी आपको दूर करता जाऊंगा तो ये लाइंस के इंडिकेट कर रही हैं ये इंडिकेट कर रही है आपकी धार्मिक नेचर को आपकी परोपकार वाले कार्य को आपको पसंद होगा लोगों को दान दक्षिणा देना ये आपको बहुत पसंद होगा और आगे चल के भी आप करोगे पूजा पाठ करने में भी आपको इंटरेस्ट होगा आगे चल के और पाप के कलर गुलाबी है जो कि सनलाइट में ली गई हैं लेकिन इतनी नहीं आ रही लेकिन ये कन्फर्म गुलाबी धन को ये अट्रैक्ट करती हैं हंड्रेड फिर देखो इनके पर मैं दिखाऊं तो सैटन यहाँ से दबाव है और ये रिंग ऑफ सैटन बन गए तो व्यक्ति एकांतवादी और अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित रहता है डेडिकेटेड रहता है फिर देखो कुछ इनके भाग्य रेखा तो जीवन का लास्ट पीरियड भी उमदा बीतने वाला है आपका और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति भी इंडिकेट कर कन्फर्म वाली बात है और यही पर से देखो तो एक लाइन यहाँ पर से हल्का सा स्क्वायर नुमा आकृति बना रही है लेकिन ये प्रॉपर स्क्वायर इसको मैं नहीं मानूंगा क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल गई है इसको इसका चर्चा करना अनुचित बात होगा लेकिन कि फेट लाइन जो है ना ये जबरदस्त है ये इनको फायदा देगी तो देखो आप खुद देखो कि आपके कितनी निगेटिव वाली लाइन है बहुत कम मिलेंगी आपको ये क्या है ना आपके लाइफ के लास्ट पीरियड में आपकी रॉलिटी और साथ साथ घर से बाहर का भी एक इंडिकेट एक योग इंडिकेट कर रही है ट्रांसफर्स वगैरह या फिर फॉरन के भी कुछ योग इंडिकेशंस हैं आपके लास्ट पीरियड में या फिर यात्राओं के लाइन ऑफ एजुकेशन प्रबल अमाउंट में तो बेसिक नॉलेज की कहीं कोई कमी नहीं है और सूर्य लाइन किसने कह दिया एक मुझे क्वेरी आया था कि सर दो सूरी लाइन या तीन सूरी लाइन अच्छा नहीं होता तो मैं कहता हूं कौन कह दिया आपको जितने बड़े बड़े अधिकारी पर जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का मैंने पाम देखा है ना एक तो किसी के मिला ही नहीं है जिस पर एक मिला है वो तो छोटे ही जॉब में रहते हैं मैं बता रहा हूं कि दो तीन सूडियो देखा आपके टैलेंट को इंडिकेट कर रही है और यह चीज जो है ना आपकी पैतृक संपत्ति से धन लाभ और सूडिय माउंट अगर आप ठीक से देखो ना यहां पर से एक स्टार नुमा करते आपको फील होगा बनता हुआ तो आपको शाइन तो करना था कन्फर्म वाली बात है कन्फर्म वाली बात है कि शाइन तो आपको करना ही था मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं माइंड मत करना ये स्टार है ये देखो ये कंप्लीट आपको शाइन तो तय वाली बात है करना था और कहना सूर्य रेखा ऐसे कुछ ट्रैंगल नुमा करती बनाए तो प्रॉपर्टी फिगर अभी बनेगा ये सारी रेखाएं है अच्छी हैं कोई बुरी रेखाएं इसमें नहीं है है ही नहीं ये बहुत बढ़िया टैलेंट को इंडिकेट करती हैं बहुत टैलेंटेड हो आप चीज़ों को जल्दी समझती हो ज्यादा सूर्य रेखा मतलब आई लेवल को आप वहाँ से डिनोट कर सकते हो आपकी आई लेवल अच्छी होती है सनबुद्ध की पोर्सन अच्छी है तो बुद्ध की नेगेटिविटी को दूर कर रहा है बट वो गड़बड़ है तो उसका नेगेटिव फल आता है याद रखना और देखो कुछ बुद्ध पर लाइन है तो क्या ना कम्युनिकेशन वाइज काफ़ी अच्छी है अपने चीज़ों को विस्तार कर पाएंगे चीज़ों को समझा पाएंगी और सबसे बड़ी बात है इनसे आप बात करोगे तो ज्ञान प्रतीत होगा आपको नहीं ये अच्छे पर्सन है इनसे बात किया जा सकता है मतलब एक ज्ञानी है और पैसे मैनेज करने में अच्छी होती है और एक लेखा के विषय में आपको जानकारी देता हूँ यहाँ से देखो ये जो इनकी राहुल लाइन है ना ये कटती हुई सीधा यहां पर से आ गई अब इसका क्या मतलब होता क्योंकि तो के के तो हो यहां से लेकिन इस लाइन ने एक तो जीवन रेखा को काट दिया दूसरा ये अब यहां पर से कैसी राहु, राहु लाइन हो जो कि आपकी घर मकान के सुख को इंडिकेट करती है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको क्लियर कट से लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव वाला लाइन है क्योंकि देखो क्या है ना अगर राहु लाइन का यहां से हो जाए ऐसे करके ये वाली ए पोर्शन में दिखाना यहां पर से ऐसे कुछ अगर बन जाए तो ये अच्छी होती है लेकिन अगर सीधा काट देना हॉरिजेंटली तो ये आपकी तुम जीवन रेखा को काटी काटी भाग्य रेखा को भी काटी साथ साथ हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को भी काट के आगे चली गई ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला चीज़ है ये थोड़ा सा इसको परेशानी वाला मैं योग मानता हूं लेकिन चलो इस, इसका मैं आपको पाए तो दूंगा ही दूंगा निश्चिंत रहे और ये बुद्ध रेखा इनकी जो है ना अगर आप ठीक से फील करो ना मैं आपको ठीक से फील कराता हूं देखो एकदम समझने की है। ये रेखा यहां तक है ये देखो और ये राहु लाइन यहां तक है तो ये बुद्ध रेखा से अटैच नहीं है तो इसके विषय में कोई प्रडिक्शन देना उचित नहीं है समझ पा रहे चलें फिर देखिए इनके तली पर ये देखो मंगल मंगल क्षेत्र इनका बहुत प्रबल अवस्था में बहुत ज़्यादा तो मंगल क्षेत्र में प्रबलता हो जाए तो व्यक्ति की एनर्जी असीम स्तरीय रहती है एनर्जी में कोई कमी नहीं स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं जल्दी कोई किसी प्रकार की मेजर हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं रहती अब वैसा ही आपने जीवन से लापरवाही कर लो तो उसकी कौन गारंटी लेगा लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो वैसे कोई दिक्कत आपको आएगी भी नहीं तो क्या एक्सरसाइज वगैरह करो मैं प्रेरित करता हूँ मैं लोगों को एकदम मोटिवेट करता हूँ चीज़ों के लिए कि आप एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें और मंगल प्रधान एनर्जी रहेगी जमीन जायदाद का सुख मिलेगा ये तो तय तमन्ना वाली बात है गारंटी ही है इस चीज़ की फिर देखो इनके कहते पर चंद्रमा चंद्रमा तो बढ़िया है तो क्या है ना चंद्रमा स्ट्रांग रहे और ये कर्व मुझे बढ़िया खराब का इंडिकेशंस दे देता है तो ये चंद्रमा आपकी स्ट्रांग है इमेजिनेशन पावर भी अच्छी रहेगी थोड़ी इमेजनरी लाइफ रहेगी बट रियल लाइफ भी है रियल लाइफ ज्यादा है क्योंकि ये पोर्शन ज्यादा बड़ी है ना तो चंद्र अच्छा रहने के बाद व्यक्ति काफी अच्छे इंसान होते हैं परिवार से प्यार करने वाले होते हैं और चीज़ों को समझने वाले होते हैं और इनका घरेलू जीवन अच्छा चलता है फिर देखो इनके दल पर कुछ ये जो लाइन्स है ना ये क्या बेसिकली इंडिकेट करेंगे आपकी यात्राओं को जीवन में भाग्यदौड़ी तो बनी रहेगी फिर केतु मौन पे एक बड़ा सा फिश जो आकस्मिक धनलाभ की स्थिति को इंडिकेट करता है ये आपको आकस्मिक धनलाभ करा रहा है आपके जीवन पर तय वाली बात है फिर देखो इनके तेरे पर शुक्र शुक्र प्रधान तो मैं बार बार बोलता हूं शुक्र की प्रधानता हो जाए फिर क्यों सोच रहे हो लाइफ के विषय में अपने मत सोचो और शुक्र देखो यहाँ पर से कुछ लाइन हल्की फल टेंशन की लाइन है बल वो विशेष है नहीं लग्जरी की प्रॉपर लाइन तो लग्जरी का सुख आपको हंड्रेड टू परसेंट मिलेगा शुक्र की प्रधानता अच्छी है तो व्यक्ति पैसे कमाने में एलिजिबल पर्सनैलिटी वाइज अच्छे और सबसे बड़ी बात है ये लोग समझदार होते हैं परिवार को चलाने वाले होते हैं सामाजिक दाम्पत्य जीवन का सुख को अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं दाम्पत्य जीवन को भी ये अच्छा खासा लेके चलते हैं फिर इनके लेकिन डिज़ायर्स बड़े होते हैं इनको बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने लाइफ के प्रति और देखो इनके शुक्र पर कुछ लाइन है तो मनी मैनेज करने में ये काफ़ी ज़्यादा प्रबल दूसरी मंगल की पोर्शन बहुत बेहतरीन कुछ टेंशंस की लाइनें थी जो व्यक्ति कभी कभार सोचेगा बट ये इनको ताकत भी प्रदान कर रही है अपने पाथ को डेडिक अपने पाथ के प्रति डेडिकेशन के लिए फिर देखो इनके कुछ स्क्वायर नुमा पर तो कहने प्रॉपर्टी वगैरह के, के सुख को इंडिकेट करती हैं मूल रूप से ये आपको दिलवाएगी और देखो दो चमत्कार हुआ था पहले तो ये लाइन कंप्लीट थी दूसरी इनकी मंगल रेखा कंप्लीट थी तो मंगल रेखा आपको बचाव करती है पूर्व पूर्वपूर्ण रेखाएं कही जाती हैं तो इसका इनको बचाव मिल रहा है इनके जीवन में तय वाली बात है प्रारंभिक फेज में थोड़ा दबाव था तकरीबन अठारहवें उन्नीसवें वर्ष तक फिर बाईसवें वर्ष से अच्छी खासी प्रगति थी फिर वहीं से देखो बाईसवें वर्ष से मैं आपको दिखाऊं तो यहां से देख लो एक अच्छी खासी प्रगति भी थी यहां पर से एक राहुल प्रोग्रेस लाइन दिखेगी दूसरे एक 26 में वर्ष में एक दिक्कत था वो हुआ था फिर वहीं से प्रोग्रेस लाइन थी तो पता नहीं चला होगा फिर आगे कंटिन्यू बेसिस पे प्रोग्रेस लाइन थी और एक 28 वर्ष में इनको प्रमोशन हुआ था इनके जॉब में तो वो चीज़ें भी मैं देख रहा था इन से जो मैंने ये चीज़ आपको इंडिकेट कर दी उससे इनके अट्ठाईसवें वर्ष में इनके प्रमोशंस को इंडिकेट करे थे फिर सत्ताईस में अट्ठाईस में फिर एक था ना कि इनके तकरीबन थर्टी वन वर्ष में इनको एक तकलीफ थी हल्की फल्की प्रॉब्लम आई होगी बट प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर थी तो पता नहीं चल पाया होगा ये अच्छी इंडिकेशंस थी फिर आगे भी आपके प्रमोशन के योग बन रहे कंप्लीट बन रहे हैं और एक थर्टी एट ईयर्स में इस पर समान लेना फिर एक फोर्टी में भी प्रोग्रेस था फिर तो एकदम कंप्लीट है एकदम कंप्लीट जीवन एकदम स्मूथ हो जाएगी आपकी गारंटी है एकदम स्मूथ उसका देखो माइंड रेखा तो माइंड रेखा में प्रारंभिक समय में दबाव था तकरीबन थर्टी वन वर्ष में कट भी था माइंड रेखा पर और थर्टी फाइव में भी एक था फिर इनके बाद इनकी माइंड रेखा एकदम स्मूथ हो गई तय वाली बात है इमोशनल हो थोड़ा बट ये क्या है ना ये स्ट्रेंथ अच्छी ले ली है तो अर्ली एज में इमोशनल था होगी फिर ये समझ गए होंगे चीज़ों को फिर अपने काम पर ध्यान देती होंगी ज़्यादा और ये जो है ना बैलेंस्ड पर्सनालिटी है बैलेंस्ड मतलब बैलेंस्ड इसका मतलब ये लोग फालतू का नहीं सोचते अपने कार्य अपने पात के प्रति ज़्यादा समर्पित रहते हैं गारंटी है फिर देखो इनके तले पर इनकी भाग्य रेखा तो भाग्य रेखा तो बहुत बढ़िया स्टार्टिंग से भी इनको अच्छा है तो ये इनके जन्म के बाद घर ने राइज भी किया होगा और आगे इनकी भाग्य रेखा देखो कंप्लीट चल रही है कंप्लीट और कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन वाली बात नहीं है यहां पर से भी देखो एक जो अभी ना इनका थर्टी थ्री इनका का एज है थर्टी सिक्स के में कुछ प्रोफेशन चेंज होगा या फिर कुछ प्रमोशंस होगा इनका या फिर कुछ हो सकता है अलग जॉब में जाए वो भी एक इंडिकेशन बन रहे हैं या फिर कुछ और प्रमोशंस हुए और ये कंप्लीट इनकी भाग्य रेखा आगे चल रही है जीवन का लास्ट पीरियड तक तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं एकदम जीवन कटने वाली एकदम बहुत बढ़िया से विष्णु योग है तो कंप्लीट रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं ऐसे पर्सन कंप्लीट ये लोग रूटीन को फॉलो करते हैं फिर कुछ ये वाली जो देखा है अगर डेवलप ज़्यादा अमाउंट में कर जाए थोड़ा गुस्सा के नेचर को इंडिकेट करती है थोड़ा गुस्सा आता है इनको जो कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं ना इंसान थोड़ा इरीटेटेड होता है तुरंत हो जाता है और सूटी लाइन देखो बहुत प्रबल है तो ये अधिकारी तो बनना ही था तो गारंटी थी ये गारंटी वाली बात थी फिर देखो ये कुछ ना ये देखो कुछ इनकी जो बुद्ध रेखा वो दो तीन अमाउंट में बनी हुई है और ये तो कंप्लीट ये आगे भी एक्सटेंड कर रही है मिल भी जाए तो अच्छा ही रहेगा ये देखो तो बुद्ध रेखा इनकी बनी हुई है तो क्या मनी ट्रायंगल तो पैसे बचाने वाली हैं फालतू के खर्च करने वाली नहीं है मनी ट्रैंगल है और साथ साथ ग्रेटर ट्रेंगल भी है पर है तो पैसे तो आने ही थे आपको इसमें तो कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं थी ये सारी रेखाएं अच्छी हैं आगे चल के आप बिजनेस में भी दिमाग लगा सकती हैं और इनकी दोहरी भाग्य रेखा बनकर ये देखो यहां से एक रेखा बनी जो दूर की यात्रा इंडिकेट कर रही है वो भी चल रही है दूसरी देखो एक से बन की भाग्य रेखाएं तभी तो बाईसवें वर्ष में इनकी जॉब की प्राप्ति हुई और राहु लाइनर में कुछ विशेष नहीं बिगाड़ पाया और आगे भी चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शानदार हथेली है और चंद्र पे बन रहे एक बहुत अच्छे स्क्वायर जो कि दिखा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के सुख आपको लाइफ में मिलने वाला है तय वाली बात है तो अब आप खुद बताओ क्या नेगेटिव योग है आपके हथेली पर एक आपकी देख लो तो भाग्य रेखा यहाँ से और कमाल कर रही है फोर्टी के बाद से एक और भाग्य रेखा बन के आगे चल रही है और सरकारी क्षेत्र से भी प्रबल लाभ को इंडिकेट कर रही है जो कि आपको हो भी रही होगी आगे भी होगी तो क्या कमी है ये बताओ कोई कमी है मैंने देख रहा कोई कमी नहीं मैं देख रहा आपके हथेली से बहुत बढ़िया हथेली है आपकी ये तो कंफर्म वाली बात है यहाँ से भी एक देखो तो सूर्य रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट ब्रांच आगे बढ़ रहा है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है बहुत सुंदर रहती है आगे भी प्रगति करोगे एक थर्टी एट वर्ष में थोड़ा उपाय मैं दे दूंगा उसका आप कर लेना और विवाह का भी मैंने आपका जीवर बता ही दिया और एक और प्रगति आपकी तकरीबन भी जो थर्टी थ्री है थर्टी फोर थर्टी फाइव में भी एक प्रगति है थर्टी सिक्स में भी है थर्टी एट में दिक्कत है फिर वहीं से एक और प्रोग्रेस लाइन तो पता भी नहीं चलेगा एक फिर देख लो आपकी फोर्टी फोर के राउंड में एक प्रगति है यहाँ पर से एक और कट है तो ये कोई विशेष स्ट्रेंथ वाली है ना इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट आएगा नहीं तो निश्चिंत रहे आगे का जीवन एकदम स्मूथ दीर्घायु निसंदेहेहेहेहेह दीर्घायु तो कहीं कोई दिक्कत नहीं बढ़िया अतली जो नेगेटिव था उसको मैंने बता दिया उसका उपाय दे दूंगा तो ये इनकी तेतीली का पूर्णता विश्लेषण अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे कमेंट कर दे शेयर कर दे सब्सक्राइब कर दे अगर आप पर्सनली मेरे से परामर्शना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकर आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद